आपकी बार आरसीबी वो आरसीबी नहीं जो हर मैच हरा करते थे आप आरसीबी को चाहिए फुल इज्जत क्योंकि आरसीबी ने सनराइज हैदराबाद को घर में घुसकर हराया है और आरसीबी वो पहला टीम है जिन्होंने सनराइज हैदराबाद को घर में घुसकर हराया है आरसीबी की गेंदबाजों की प्रदर्शन देखते हुए दिल से निकला वाह क्या गेंदबाज है कैमेरून ग्रीन जिनको लोग गालियां दे रहे थे वो काल रान भी बनाए और दो दो विकेट भी ले लिए तैतीस साल की उम्र में पहला मैच खेलने वाला सपनेल तो मैच विनर निकला जिस करण को खिलाया नहीं जा रहा था उस करण ने जबरदस्त किया एश दयाल जिसको रिंकू सिंह ने पांच छक्के मरे थे उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और आरसीबी ने कहा हमें फुल इज्जत चाहिए यह आईपीएल की ट्रॉफी हमें मिले या ना मिले लेकिन हमें फुल इज्जत चाहिए काल की मैच आरसीबी का ढाई मैच था और उस मैच में सनराइज हैदराबाद को आरसीबी ने हरा दिया कमाल का यह मैच था जबरदस्त प्रदर्शन रहा आरसीबी का और 35 रन से आरसीबी ने यह मैच जीत लिया लेकिन और बड़ी जीत होना चाहिए था जिस तरह से आरसीबी की शुरुआत हुई थी टेबिस हेट एक रन बनाकर आउट हो गए माकराम जिन्होंने सात रन बनाए चड्डी जल्दी आउट हो गए क्लासान जल्दी आउट हो गए अब्दुल्समत तुरंत आउट हो गए हाँ पेट कमिश ने थोड़ा बहुत अच्छा बल्लेबाजी किया शहबाज अहमद ने भी शानदार बल्लेबाजी की लेकिन यह बल्लेबाजी काफी नहीं थी कि सनराइज हैदराबाद को मैच जिता दे आज आरसीबी की फैंस तालियां बजा रहे थे और बाकी फैंस चुप बैठे थे आप सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी ने पहला मैच जो जीता था ठीक आज से एक महीने पहले और ठीक एक महीने बाद आरसीबी अपना दूसरा मैच जीतते हैं जो बताने के लिए काफी है कि आरसीबी की प्रदर्शन कितना खराब रही है आरसीबी की लगातार छह मैच में हार हुई है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ी टीम को हराया है इस मैच में और थोड़ी बहुत इज्जत वापस मिली है सनराइज हैदराबाद इस आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम था और उस टीम को हरा दिया आरसीबी ने अगर सनराइज हैदराबाद यह मैच जीत लेता तो सीधा दो नंबर पर पहुंच जाता लेकिन उस इतिहास को लिखने से रोक लिया आरसीबी ने सनराइज हैदराबाद को और अपनी डाइस मैच में आरसीबी ने इतिहास रच दिया शानदार मैच जीत लिया मैच शुरू हुआ तो आरसीबी की कप्तान फाफ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था आरसीबी की शुरुआत बहुत ही शानदार था क्योंकि विराट कोहली ने बनाया था 43 गेम पर 51 रन और डुप्लीसिस ने बनाए थे पच्चीस रन जबकि राजा पतिदार ने शानदार बारी खेलते हुए बीस गेम पर अर्धशतक लगाए कैमेरून ग्रीन ने भी शानदार बारी खेला उन्होंने बीस गेम पर थर्टी रन बनाए बीस ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी ने सात विकेट गवाकर कुल रन बनाए दो सौ और सनराइज हैदराबाद के सामने टारगेट रखा दो रन का सनराइज हैदराबाद की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए जयदेव उनटकर ने तीन विकेट लिए जबकि नटराजन ने भी दो विकेट चटकाए 207 रन का पिसा करते हुए सनराइज हैदराबाद का शुरुआत खास हुआ नहीं क्योंकि टेबिस हेड सिर्फ एक रन बनाए और आउट हो गए अभिषेक शर्मा ने तेरह गेम पर 31 रन बनाए बाकी सनराइज हैदराबाद की मेडिल ऑर्डर तास के पत्ते की तरह बिखर गए सात रेड्डी तेरा और क्लासन ने भी बनाए सात रन जबकि सनराइज हैदराबाद की, की तरफ से शाहबाज अहमद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए थर्टी सेवन गेम पर चालीस रन बनाए पैट कमिंस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पंद्रह गेम पर इकतीस रन बनाए सनराइज हैदराबाद बीस ओवर की समाप्ति के बाद आठ विकेट गवाकर वन रन ही बना पाए और थर्टी रन से ये मैच हार गए आरसीबी की तरफ से तीन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और तीनों ने दो दो विकेट लिए सपनील जिन्होंने दो विकेट लिए करण जिन्होंने दो विकेट लिए और कैमरून ग्रीन ने भी दो विकेट लिए इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जय हिंद